सिंगल टक्स ब्लाउज पहले पेपर कटिंग समझेंगे। जब भी सिंगल टक्स ब्लाउज का फ्रंट कट होता है तो पहले 2 इंच छोड़ देना है, यहाँ से 15 लेंथ, नीचे से 2 इंच, इसे हम पहले ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से पैक नेक ब्लाउज लेंगे, मतलब हम इसे इसमें कॉलर डाल सकते हैं। साथ बाय साथ शोल्डर हाफ बॉक्स रेडी करेंगे। ऐसे चेस्ट का 1/4 प्लस 1/2 2 इंच मार्जिन, जितना ऊपर लिया है उससे 1 इंच कम नीचे साइड। अभी इसे ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे साइड से जितनी लंबाई है उससे 1/2 इंच या 1 इंच फुल लेंथ में बड़ा रखना है। इस तरह से ये बॉक्स रेडी हो जाएगा। बैक आर्म होल के लिए यहाँ 1 इंच लेना है। 36 चेस चल रहे, फिटिंग का मार्किंग करेंगे, सेंटर का मार्किंग करेंगे। इस तरह से इसको इसे ऐसे अटैच कर देंगे बैक आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच अंदर आना है, शोल्डर के साथ इसे जॉइन कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच सेंटर एंड जॉइंट आर्म होल शेप, इस तरह से जॉइंट होगा। अभी हमें टक्स पॉइंट निकालना है। टक्स पॉइंट के लिए चेस्ट का पार्ट ऑफ 10, नीचे लाइन से चेस्ट का पार्ट ऑफ 10, ओके। यहाँ से भी एक चेस्ट का पार्ट ऑफ 10 डालेंगे, मतलब ये सेम आना चाहिए। शोल्डर पॉइंट से टक्स पॉइंट 36 है तो टक्स पॉइंट जो है वो 10 पर आता है। यहाँ पर एक मार्किंग कर दें, ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। ये 2 इंच हमने क्यों बढ़ाया है, तो यहाँ नीचे से 1 और 1 इस तरह से, और यहाँ से नीचे थोड़ा सा इसको नीचे लेके, पॉइंट नीचे लेके, या फिर डायरेक्टली टक्स पॉइंट के साथ इसे ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे अटैच हो जाएगा। सिंगल टक्स चल रहा है, नेक डालना है, फ्रंट नेक या बैक नेक, बैक नेक का मेजरमेंट डाला है हमने, तो यहाँ से फ्रंट ओपनिंग बैक ओपनिंग डाल सकते हो। बोट नेक डालना है 5, चेस्ट का पार्ट ऑफ 10, इसका बॉक्स बनेगा। इस तरह से यहाँ पोर्टनेक डाल सकते हो, या फिर हमें कोई डिज़ाइन चाहिए वो भी डाल सकते हो। इस तरह से ऐसे पोर्टनेक ले लिया, फिर यहाँ ऐसे की होल दे दिया, इस तरह से भी हम नेक डाल सकते हैं। अब यहाँ जहाँ नेक
टफ हो रहा है, मतलब पहले बोट नेक डाल दिया हमने, बोट नेक का शेप ले लिया इस तरह से, और फिर यहाँ की होल डाल दिया, इसे की होल बोलते हैं, मतलब यहाँ से स्किन दिखती है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें अटैच करना है इस तरह से। ये ऐसे अटैच हो जाएगा, चेस्ट 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन, शोल्डर हाफ, फिर से 2 इंच हमने छोड़ दिया है पहले, शोल्डर का हाफ, शोल्डर का हाफ, चेस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन, वेस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन। हमने जो मेजर किया है ये पॉइंट से किया है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है डार्ट के लिए। आपने यहाँ देखा है कि ऊपर से हमने टक्स पॉइंट डाला हुआ है, यहाँ से चेस्ट का पार्ट ऑफ 10 लेके 1 इंच लेफ्ट साइड, 1 इंच राइट साइड, ऐसे मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ से ये जो 2 इंच का डिफरेंस है वो यहाँ फिलअप हो जाएगा, इसलिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। सिंगल टक्स ब्लाउज चल रहा है, पैक नेक, सिंगल टक्स इस तरह से। पहले बैक आर्म होल कट होगा इस तरह से, ये बैक आर्म होल कट हो गया है। यहाँ पर एक नॉच देंगे बैक साइड के लिए इस तरह से। फ्रंट जो है, फ्रंट या बैक ऐसे यहाँ से कट होगा, बैक के लिए फिर एक यहाँ से नॉच दे देंगे, तो फिर से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डार्ट भी अभी कट कर देना है इस तरह से। ऐसे ये कटिंग होगा, देख रहे हो आप, इस तरह से कटिंग चल रहा है हमारा सिंगल टक्स ब्लाउज। बैक जो एक्स्ट्रा लिया हुआ था यहाँ पर मार्किंग देके इसे कट कर लेंगे, मतलब बैक भी निकल जाएगा। एट ए टाइम हमने फ्रंट और बैक निकाला हुआ है, इससे समय की बचत हो गई है। ये बैक एंड फ्रंट, फ्रंट के लिए इस तरह से फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। फिलहाल अभी हम नेक नहीं कट कर रहे, नेक इसलिए कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैक नेक है, बोट नेक की होल डाला हुआ है। यदि हमें ऐसे लगता है कि नहीं मैं इसमें कॉलर डाल दूं, तो ये मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ से चेस्ट का पार्ट ऑफ 10 और ये सॉरी चेस्ट का पार्ट ऑफ 12 और चेस्ट का पार्ट ऑफ 10 कॉलर डालना है, तो हमेशा शोल्डर साइड हॉरिजेंटल में चेस्ट का पार्ट ऑफ 12 डालेंगे और यहाँ से चेस्ट का पार्ट ऑफ 10 डालेंगे, तो इसमें हम कॉलर भी लगा सकते हैं। बोट नेक कॉलर के लिए सेम मेजरमेंट रहेगा, शोल्डर का हाफ, शोल्डर का हाफ। बैक साइड से आप जो भी डिज़ाइन डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो इस तरह से नेक फैब्रिक पे कट करेंगे। ये हो गया आर्म होल, टक्स पॉइंट एंड एक्स्ट्रा जो 2 इंच का रखा था, जो यहाँ से डार्ट निकल गया है, ये समझ में आ गया। सिंगल टक्स कटिंग, बैक एज इट इज़, इसमें यहाँ से 2 इंच का गैप दे दिया है, वहाँ से टक्स आएगा। इसी में हम कप्स भी अटैच कर सकते हैं,
ओके, सिंगल कट टक्स, ब्लाउज का पेपर कटिंग इस तरह से होता है।